आप अगर अपने मॉनिटर पर, जैसे कोई भी वो सीआरटी मॉनिटर हो सकता है या एलसीडी मॉनिटर है जिसकी इनपुट इस तरह की वीजीए केबल होती है, उस पर अगर आप कोई भी डीटीएच का स्टैंडर्ड डेफिनेशन बॉक्स, जो एचडी नहीं, जिसमें ये एचडीएमआई केबल आउटपुट नहीं होती है, तो उसमें हमें यही मिलेंगी, एवी आउटपुट मिलेंगी। तो एवी आउटपुट वाला जो नॉर्मल एसटीबी आते हैं उसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन डीटीएच के और एफटीए वाले बॉक्स, तो उस पे अगर आप इसको चलाना चाहते हैं एलसीडी मॉनिटर को, तो किस तरह चलाएंगे चलिए देख लेते हैं आज। वैसे तो ये बॉक्स एचडी है, इसमें यहाँ एचडी आउटपुट और एवी आउटपुट दे रखी हैं। मान लो हमारे पास नॉर्मल वाला बॉक्स है जिसमें ये एचडीएमआई आउटपुट नहीं है, एवी आउटपुट है, तो उस पे हम ये एलसीडी मॉनिटर है हमारे पास, इसको या फिर सीआरटी मॉनिटर को कैसे चलाएंगे। तो इसके लिए आपको ये डिवाइस चाहिएगी। एचडी वीडियो कन्वर्टर बोल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, पर ये एचडी वीडियो कन्वर्टर नहीं है। इसको हम बोलेंगे एवी टू वीजीए, मतलब हम एवी इनपुट देंगे, इसमें ऑडियो वीडियो इनपुट देंगे और आउटपुट हमें ये सीरियल केबल ऐसे वीजीए आउटपुट मिलेगा और यहाँ से हम ऑडियो आउटपुट लेंगे इसमें। तो इसके हमने कनेक्शन किस तरह करने हैं, पहले तो हम यहाँ बॉक्स के पीछे कलर्स मिला के ऐसे लगा देंगे वायर्स को, ये एवी केबल होती है, तो इधर भी ऐसे कलर मिला के हम यहाँ भी लगा देंगे, इनपुट साइड लगेंगे ये। इसका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ये लोकल मार्केट में मिल जाएगा। इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है मिनी एवी टू वीजीए, तो यहाँ पे एक वीजीए आउटपुट मिलती है, ऑडियो आउटपुट होती है। यहाँ यहाँ पे हम पावर केबल लगाते हैं, एक ये यूएसबी पावर केबल इसमें दी गई है, 720 और 1080 रेजुलेशन यहाँ आउटपुट दिया गया है इसमें। तो इनपुट के लिए यहाँ एवी केबल्स लगेंगी, ये छोटी सी डिवाइस है एक, प्राइस भी इसका ज्यादा नहीं है, आप आराम से इसको परचेज कर सकते हैं। इसको लगाना कैसे है, यहाँ पे इनपुट दे देंगे इसको और बॉक्स के पीछे भी एवी आउटपुट जो है उसमें लगा देंगे। तो पावर के लिए हमें यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दी गई है, पावर हम यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर हम अपना चार्जर है उसको भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं आउटपुट फिलहाल बॉक्स में से ही ले रहा हूँ, ये तो एचडी बॉक्स है, इसमें मिल जाएगा, पर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बॉक्स होते हैं नॉर्मल वाले, उनमें ये आउटपुट नहीं मिलती है। मैं बस आपको चलाने के लिए दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आउटपुट दे दूंगा इसको। मॉनिटर की ये जो वीजीए केबल होती है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा के थोड़े से नट टाइट कर देंगे हम यहाँ पे, ये हमारा सेटअप हो गया है। तो चलिए अब टीवी पे लगा के हम इसकी वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं किस तरह की आ रही है। बॉक्स के कनेक्शन मैंने कर लिए हैं, अब इसमें एवी आउटपुट के लिए एवी केबल्स लगा दी हैं, पावर सप्लाई उसको अडाप्टर को देने के लिए मैंने यहाँ पे बॉक्स में ही दे दी है। मेरे पास यहाँ अभी इसका फ्री टू एयर वाली डिश का कनेक्शन नहीं है, डिश एंटीना का, देखिए इस तरह इसमें लग जाएगी। यहाँ पे अगर चैनल चेंज करता हूँ तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी दिख रही है इसमें। अभी मैं आपको एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स इसमें चला के दिखाता हूँ, ये वाली केबल सब हम एवी आउटपुट में लगा देंगे। देखिए एयरटेल एक्सट्रीम का हमारा एचडी बॉक्स इसमें सही चल रहा है बिल्कुल, एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स की आउटपुट हमने एवी के थ्रू ले रखी है। और अगर आप इसमें अब आवाज़ कैसे आएगी इसकी बात करते हैं, तो हम इसके लिए आपको छोटा सा कोई स्पीकर्स आते हैं वो यूज करने होंगे, या आप अपने जो पीसी के साथ यूज कर रहे हैं वो भी यूज कर सकते हैं इसमें अलग से। ये ऑडियो वाली वायर्स हैं जो यहाँ पे लगी हुई हैं, इनको हम उसमें देंगे, या यहाँ से भी एक इसमें आउटपुट निकलती है, इससे पिन के थ्रू भी ले सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी अच्छी आती है इसमें। तो ये आएगा कितने का मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये मुझे लोकल मार्केट में 550 रुपये का मिला है। तो ऑनलाइन जो अमेजन वगैरह का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना कितने का मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय बाय।